नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हेल्दी योगा बाय मीना कुमारी आनंद में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कमर का दर्द क्यों होता है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका उपाय क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कमर का दर्द होता क्यों है। सबसे पहला कारण है मोटापा। अगर मोटापा अधिक है तो आपका पूरा वजन आपकी कमर पर ही पड़ता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। फिर है बैड पोस्चर। जो लोग हमेशा बैठ के काम करते हैं, हमेशा कंप्यूटर पे उनका सिर रहता है, सर झुका रहता है, जिससे कि कमर पे ही लोड पड़ता है और कमर में दर्द होता है। प्रेगनेंसी की स्थिति में भी जब वेट पड़ जाता है आगे की तरफ तो पीछे कमर का दर्द होता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर आप योग करेंगे तो आपका ये कमर का दर्द खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है स्मोकिंग। जो लोग स्मोक करते हैं उससे भी जो बोन्स है ना वो वीक होने लगती है। फिर है स्ट्रेस। जो लोग स्ट्रेस अधिक लेते हैं, स्ट्रेस लेने से भी कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कहीं कहीं दर्द होता है। डिप्रेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है लगातार मेडिसिंस का लेना। जो लोग मेडिसिन हमेशा ही खाते रहते हैं, खास तौर पर पेन किलर मेडिसिन लेने से आपको डायबिटीज भी होगा और मसल्स और बोन वीक होगी, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। अब इसके लक्षण क्या हैं? इसका लक्षण क्या है कि एक तो जब आप बैठ गए, कमर में दर्द है तो ऐसे हिलना डुलना ही बड़ा भारी पड़ जाता है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो कमर में स्टिफनेस होती है, हिलाना कमर को बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और झुकने पर भी कमर में दर्द होता है। तो जो लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे यदि वो इस तरीके से स्ट्रेच कर लें अपने हाथों को तो कमर के दर्द में रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से अब एक बहुत बड़ा कारण बताऊंगी, ड्राइविंग। जो लोग 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे कंटिन्यू ड्राइविंग करते हैं और बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, ड्राइविंग करते चले जाते हैं, तो हमारी बैक बोन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। एक तो आप झुके हुए हैं या सीधे भी हैं तो जो मसल्स है वो एक तरह से स्टिफ हो रही है, तो जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है। तो इसलिए अच्छा कि आप बीच में रुक जाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें, जिससे कमर का दर्द ना हो। अब क्या उपाय है इसका? इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप योग करें। योग में आप ताड़ासन कीजिएगा और मेरी कुछ वीडियोस हैं स्पेशली कि कमर दर्द में कौन कौन से आसन को आसन करने हैं। और प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और योग निद्रा मेडिटेशन। अब मैं आपको एक स्पेशल योग करके दिखा रही हूँ जो कमर के दर्द में करना चाहिए। बैक साइड पे कर रही हूँ। बैक पे क्या है कि आपको ये अपने दोनों अंगूठे कमर पे मिलाने हैं, कमर पे मिलाइएगा। मैंने देखा है कि अधिकतर व्यक्ति इस आसन को करते टाइम अपने हाथों को इस प्रकार रखते हैं। इस प्रकार नहीं रखना है, क्योंकि जब आप इस प्रकार से हाथ रखते हैं तो आपकी कमर को पूरा सपोर्ट मिलता है। अब हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिएगा, पैरों को 11 की शेप में खोल लीजिएगा और सांस भरें और सांस भरते हुए पीछे जाएं। रुकने का प्रयास कीजिएगा और सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आइएगा। अब अगर आपसे ये वाला आसन बड़े आराम से हो गया है तो इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें और दोनों पैरों को खुला और सांस भरते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप नित्य योग कीजिएगा। धन्यवाद।